हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटर ब्रेन वंस अगेन। हमारे पास ह्यूंडई क्रेटा है। क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जिसको देखेंगे ना, इंडिया में बहुत सारे एसयूवी 4.3 मीटर कैटेगरी में आते हैं और इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में जितने भी ब्रांड्स गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते, हर एक ब्रांड के पास 4.3 मीटर सेगमेंट में गाड़ी है और ह्यूंडई के पास सबसे ज्यादा अमेजिंग गाड़ी क्रेटा है। और क्रेटा का हमारे पास ये जो वेरिएंट है, दैट इज द बेस्ट वेरिएंट। बेस्ट वेरिएंट उतना जल्दी शोरूम पे अवेलेबल नहीं होता है। हमने बहुत कोशिश की, बात एक बेस वेरिएंट आप लोगों के लिए जुगाड़ किया है। तो बेस वेरिएंट अगर आप लेने की सोच रहे हो, अगर आपके बजट 11 लाख एक शोरूम, दैट मींस ये गाड़ी ऑन रोड जाते जाते 13 लाख तक फिट बैठ जाएगा। 13 लाख की अगर आपकी ऑन रोड प्राइस बजट है तो आप ह्यूंडई क्रेटा डेफिनेटली ले सकते हो। 4.3 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है। इस सेगमेंट में बहुत सारे गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, आते हैं, कंपटीशन बहुत ही तगड़ी है, लेकिन फिर भी ह्यूंडई क्रेटा की सेल आप देखेंगे टॉप 10 सेल के अंदर ह्यूंडई क्रेटा हमेशा से रहने वाला है। तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ फीचर मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम इसकी फ्रंट लुक से ही करेंगे। गाड़ी की लुक देखेंगे, ब्लैक कलर के साथ गाड़ी, एक माफिया टाइप लुक आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे नोटिस करेंगे जो चीज आपको मिसिंग मिलेगा बेस वेरिएंट पे, यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग डीआरएल की कॉन्सेप्ट नहीं आता है। एक क्रोम, डार्क क्रोम का एलिमेंट आपको यहां पे दिया जा रहा है, जो इसके डीआरएल है यहां तक खत्म हो रहा है, लेकिन ये डीआरएल आपको ट्विन स्लैब में ऑफर किया जा रहा है। यहां पे देखेंगे जो टर्न इंडिकेटर, ये भी हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगा, कोई भी एलईडीज नहीं है। सामने की तरफ मेन जो हेडलैम्प यूनिट है, आपने टॉप वेरिएंट के साथ देखा था, मिड वेरिएंट के साथ देखा था, क्वैड बीम एलईडीज वगैरह था, लेकिन बेस वेरिएंट के साथ देखेंगे नीचे की तरफ कंप्लीटली हैलोजन बेस्ड हाई बीम, ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्टर आते हैं, लेकिन ये भी येलो लाइट थ्रो करेगा, ये भी हैलोजन लाइट के साथ ही आएगा। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो आपको हर एक चीज हैलोजन आएगा, बस डीआरएल आ जाते हैं, लेकिन डीआरएल भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जो डीआरएल है पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड डेफिनेटली मिलेगा बेस वेरिएंट पे, लेकिन सामने की तरफ आपको कनेक्टेड नहीं मिलने वाला है। आप नीचे और देखेंगे कोई भी कैमरा मॉड्यूल नहीं है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी रडार की प्लेसमेंट नहीं है, ऊपर देखेंगे कोई भी आपको कैमरा मॉड्यूल वहां पे भी सेंसर बेस्ड नहीं आता है, क्योंकि गाड़ी के साथ कोई भी एडास सिस्टम नहीं आने वाला है। एडास सिस्टम आपको टॉप दो वेरिएंट पाएगा। न्यू क्रेटा के साथ आपको एक वेरिएंट एडिशनल मिलेगा, SXO के नीचे एक वेरिएंट आता है SX टेक नाम की, SX टेक एंड SXO, ये दो वेरिएंट के साथ आपको लेवल 2 एडास देखने को मिलता है। अपर की ये दो वेरिएंट के साथ ही आपको लेवल 2 एडास मिलेगा, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट पे आपको लेवल 2 एडास नहीं आएगा। बेस वेरिएंट के साथ आपको यहां पे कैमरा नहीं है, लेकिन ग्रिल देखेंगे, ग्रिल के अंदर क्लोज आइए, यहां पे ना आपको क्रोम एलिमेंट नहीं है, डार्क क्रोम आपको मिड वेरिएंट एंड टॉप एंड वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है ग्रिल के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लास्टिक है। ऊपर की तरफ ये पैनल क्लोज है, नीचे देखेंगे काफी सारा ह्यूज स्पेस है, रेडिएटर को कूल होने में कोई भी तकलीफ वगैरह नहीं होगा। गाड़ी के बोनेट के अंदर काफी सारे आपको यहाँ पे कैरेक्टर लाइंस भी विजिबल होगा। आप साइड पे आएंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, और एक चीज मैंने आपको नहीं दिखाया वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जो स्किड प्लेट और बंपर की डिजाइन है ना, ये आपको सिल्वर एलिमेंट के साथ, लेकिन सामने की तरफ कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं है। ये जो पार्किंग सेंसर है, ये पार्किंग सेंसर आपको सामने की तरफ सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के साथ मिलता है। नीचे जो वेरिएंट आता है, दैट मींस SX टेक जो वेरिएंट आता है, उसके साथ भी आपको सामने पार्किंग सेंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बेस वेरिएंट लेना एकदम वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए बन जाएगा। हर एक ब्रांड की जो बेस वेरिएंट होते हैं वहां पे मैक्सिमम जगह पे ना वैल्यू फॉर मनी डील ही बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पे व्हील देखेंगे, ये जो व्हील आएगा, यहाँ पे टायर आपको एक साइज छोटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टायर साइज देखेंगे 205/65 R16, दैट मीन 16 इंच का। क्रेटा के साथ आपको स्टैंडर्ड जो व्हील आएगा वहां पे आपको 17 इंच का टायर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक साइज छोटा एपेलो का टायर आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको व्हील कैप भी ऑफर किया जा रहा है, बेस वेरिएंट है, लेकिन आपको यहाँ पे व्हील कैप प्रॉपरली आ जाता है। इसके साथ आपको नीचे की तरफ स्टील रिम आएगा, सामने डिस्क आ जाते हैं। और क्रेटा के साथ एक चीज आपको बहुत खास मिलेगा, 4.3 मीटर लेंथ के साथ गाड़ी है, जिस वजह से सामने भी डिस्क आएगा और पीछे देखेंगे रेयर पे भी आपको डिस्क ब्रेक विजिबल होने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रूल्स के अंदर आ जाते हैं। 4.3 मीटर लेंथ के साथ आपको पीछे भी डिस्क बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे और एक चीज खास मिलेगा, गाड़ी के साथ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल ऑफर किया जाता है। क्लोज आ जाइए, यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिसिंग है। ऊपर देखेंगे कोई भी रूफ रेल्स कंपनी फिटेड इस वेरिएंट के साथ फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, कोई भी रूफ रेल्स नहीं आता है, सनरूफ भी मिसिंग है, ऑब्वियसली बात है बेस वेरिएंट है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो ओवर बीम ऑफर किया जा रहा है, ये ओवर बीम आपको बॉडी कलर ही आते हैं, ग्लॉसी वाला फिनिशिंग देख सकते हो। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग नहीं हुआ है, लेकिन कॉस्ट कटिंग ओवर बीम के साथ हुआ है, वो चीज मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके साथ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं आता है, आपको मैनुअली रेगुलेट करना होता है। अब सामने की लुक तो मैंने दिखा दिया, अगर आप बेस वेरिएंट खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे और एक जगह पे ना आपको चुभने वाला है। क्या चुभने वाला है बताए, बेस वेरिएंट लेके टॉप वेरिएंट में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे फेंडर के ऊपर यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है साइड पे, भैया यहाँ पे टर्न इंडिकेटर प्लेस नहीं है। जो लोग बेस को टॉप में कन्वर्ट करवाते हो उसके लिए ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर इसको टॉप में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको ये जो पैनल है ना, ये फेंडर है, इसको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आप कैसे मेकअप करोगे। यहाँ पे अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो इसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। अब गाड़ी की रेयर प्रोफाइल चेक करवाऊंगा, मैंने सामने से कॉस्ट कटिंग डीआरएल बता दिया, डीआरएल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस वेरिएंट है या फिर बहुत ही लोअर वेरिएंट है। लेकिन गाड़ी को पीछे से देखेंगे तो रेयर से देखने के बाद आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप जैसे गाड़ी को यहां से नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए कनेक्टिंग वाला स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है।
गाड़ी एकदम बेस वेरियंट है। अब बताइए कौन सा वाला ऐसा ब्रांड है जो बेस वेरियंट के साथ पीछे आपको कनेक्टिंग वाला स्टॉप लैम्प देते हैं जो आपको क्रेटा के साथ मिल रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। अब इसकी जो मेन स्टॉप लैम्प है ये आपको हैलोजन में आएगा, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बेस्ड, नीचे रिफ्लेक्टर देख सकते हो, नीचे आपको चार पार्किंग सेंसर 1 2 3 4 टोटल चार पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो पार्किंग सेंसर पीछे आपको कोई भी कम नहीं मिलेगा, चार पार्किंग सेंसर डिसेंट एनफ है सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन पीछे आपको कोई भी कैमरा मॉड्यूल विजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा नहीं आता है। और पीछे का ये जो सेक्शन है अगर ब्लैक कलर में लेते हो तो आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जैसे दूसरा कलर में चूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पैनल आ रहा है ना ये पूरा ही आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ, और इसके अंदर ना ये ग्लास वाला एलिमेंट है, इसके अंदर आपको Hyundai की लोगो देखने को मिलता है, ये बहुत बढ़िया एक प्रीमियम वाला फील आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। गाड़ी के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारा कॉस्ट कटिंग अगर आप क्लोज आएंगे तो ऊपर की तरफ विजिबल होने वाला है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कोई भी डिफॉगर नहीं है। हाँ यहाँ पे अच्छी बात है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको एलईडीज में आते लेकिन शार्क फिन एंटीना मिसिंग है, नॉर्मल वाला एंटीना आएगा। और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे ना आपको कोई भी वॉशर वाइपर भी कंपनी फिटेड देखने को नहीं मिलेगा, ये सारे चीज मिसिंग है। लेकिन जो चीज मिसिंग नहीं है वो दिखाऊंगा, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इसके अंदर बूट स्पेस कितना है, आप कैमरा पर्सन को बोलूंगा थोड़ा दूर जाइए और दिखा दीजिए ऑडियंस को कितना बूट स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। गाड़ी की ये जो लीड है पहले बता देता हूँ हाइड्रोलिक स्टैंड है, बहुत ही बढ़िया लुक के साथ आ रहा है। और नीचे देखेंगे यहाँ पे बूट स्पेस तो देख लीजिए, बहुत ही ह्यूज एक स्पेस है भैया, 473 लीटर के आसपास बूट स्पेस है, यहाँ पे ह्यूज स्पेस आप बोल सकते हो। और यहाँ पे 60-40 स्प्लिटेबल ऑप्शन के साथ सीट भी आ जाते हैं, यहाँ पे कोई भी लगेज लैंप की सुविधा आपको कंपनी फिटेड नहीं आते, आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बस आपको एक फॉल्स डमी दिया जाता है, लगेज लैंप इस वेरिएंट के साथ फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। अच्छी बात है 60-40 स्प्लिटेबल सीट है, बूट स्पेस आपको और ज्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ बस दो हेडरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, बीच वाले पर्सन के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं आ रहा है। और नीचे देखेंगे इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा, एपेलो का टायर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको 16 इंच का ही आएगा। 16 इंच का मतलब एक साइज छोटा जनरली होते, जनरली किस टाइप की गाड़ी के लिए होते, जो टॉप वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट जहां पे 17 इंच के अलॉयस प्रोवाइड किया जा रहा है वहां पे ये आपको एक साइज छोटा लगेगा। जैसे बेस वेरिएंट के साथ जाएंगे बेस वेरिएंट के साथ आपको ये चीज छोटा नहीं लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड आपको 16 इंच का ही आ रहा है। कॉस्ट कटिंग आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील के साथ आप नहीं बोल सकते। अभी चलिए इंटीरियर पे लेके चलते, लेकिन उससे पहले आप रेयर पैसेंजर के लिए कितना स्पेस छोड़ी जाती है वो पहले चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा इसकी इंटीरियर इतना प्रीमियम है भैया, इतना प्रीमियम है, ड्यूल टोन कलर के साथ है, यहाँ पे आपको बेस कलर के साथ साथ ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन आ रहा है। और इसके अंदर जो जो चीजें आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं बैठ जाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से इसकी नेरूम हेडरूम चेक करवाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मैंने ड्राइवर साइड सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखे, उस हिसाब से यहाँ पे नेरूम देखेंगे डिसेंट एनाफ है, कोई भी तकलीफ नहीं है। हेडरूम देखेंगे वो भी डिसेंट एनाफ है। अब Hyundai एक ऐसी ब्रांड है स्पेस कैसे मैनेज कर लेते हैं ना किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड स्पेस मैनेजमेंट में पीछे रह जाते हैं बट Hyundai स्पेस मैनेजमेंट में पीछे नहीं रहता है। गाड़ी 4.3 मीटर में लेंथ के साथ आ रहा है, पीछे पैसेंजर के लिए बहुत अच्छा नीरूम है, फिर भी बूट स्पेस 433 लीटर के आसपास मिलेगा। एक्स्ट्रा के साथ एक्स्ट्रा 3.8 मीटर लेंथ के साथ आ रहा है, फिर भी आपको 400 लीटर के आसपास बूट स्पेस कैसे प्रोवाइड करते हैं भैया हमें तो नहीं मालूम, Hyundai वाले को शायद इतना अच्छी तरीके से पता होगा। गाड़ी के साथ और एक चीज आप नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल विजिबल नहीं होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आएगा, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पे ना बेसिकली अपर वेरिएंट के साथ यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल आता है जनरली बट यहाँ पे नहीं आएगा। दूर से देखने पर आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चीज आपको मतलब कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे आपको प्रीमियम ही आने वाला है। इस गाड़ी के साथ आपको कॉस्ट कटिंग अंदर से जहां पे विजिबल होने वाला है यहां पे देखेंगे प्रोविजन तो छोड़ी जाती है बट कोई भी स्पीकर सिस्टम नहीं आता है क्योंकि इसके साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम ही मिसिंग है, वो मैं ड्राइवर साइड पे जाके बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो चीज अच्छा लगने वाला है, बेस वेरिएंट के साथ आपको पावर विंडोज की कंट्रोल आने वाला है। जी हाँ भैया पावर विंडोज आने वाला है, यहाँ पे लॉकिंग अनलॉकिंग लीवर देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारा स्पेस है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे अंदर की तरफ नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ना रेयर पैसेंजर के लिए एसी विंड्स डेडिकेटेडली आते हैं, बस इसके रेगुलेशन आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो चीज अच्छा है आपको यहाँ पे दो टाइप सी यूएसबी भी ऑफर किया जा रहा है और ये दोनों आपको इल्यूमिनेटेड कंडीशन में देखने को मिलेगा। इसके साथ स्पेस लेकर कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी स्पेस ऑफर किया जा रहा है। एक आपको यहाँ पे सनरूफ की कमी वगैरह डेफिनेटली फील होने वाला है, इतनी बड़ी एसयूवी ले रहे हो सनरूफ मिस हो रहा है तो आपको थोड़ा सा तो चुभने वाला है, मतलब थोड़ा सा आपके मन के अंदर थोड़ा सा शिकायत हो सकता है क्योंकि क्रेटा के साथ अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको कोई भी सनरूफ नहीं आएगा। इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो इतना पैसा खर्च करके लेकिन आपको फिर भी सनरूफ नहीं आ रहा है, आपके मन के अंदर थोड़ा सा खटखटाहट हो सकता है लेकिन फिर भी आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते इस बात के लिए क्योंकि कंपनी बेस वेरिएंट प्रोवाइड कर रहा है आपको। बेस वेरिएंट के अंदर अगर सनरूफ प्रोवाइड करेगा तो प्राइस तो इंक्रीज होने वाला है ना, 90,000 इसकी सनरूफ की कॉस्ट है क्योंकि पूरा ही पैनोरमिक सनरूफ है। हमने जो दूसरा वीडियो है वहां पे बता के रखे जो जब हमने एस वेरिएंट दिखाया था, एस वेरिएंट के साथ भी एक सनरूफ
सनरूफ और विदाउट सनरूफ वाला वेरिएंट आ रहा था, तो वहां पे मैंने डिटेल में बता के रखे सनरूफ की कॉस्ट आपको 90,000, अगर क्रेटा की बेस वेरिएंट के साथ सनरूफ प्रोवाइड करेगा तो 90 से लेकर 1 लाख के अंदर प्राइस इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेस वेरिएंट जनरली लोग प्राइस कम रहते हैं उस वजह से परचेस करते हैं, तो आप यहाँ पे शिकायत नहीं कर सकते। अब ड्राइवर साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे कितना स्पेस है, लेकिन स्पेस दिखाऊंगा उससे पहले देख लीजिए इसके इंटीरियर पे ना आपको कहीं से भी नहीं लगने वाला ये कोई बेस वेरिएंट है। बस इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आप आंखें बंद करके रखिए, बाकी देख लीजिए पूरा ही आपको मतलब कि प्रीमियम वाला फील आ जाएगा। बस यहाँ पे जो चीज आपको मिसिंग मिलेगा कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, सॉफ्ट टच मटेरियल देना पॉसिबल भी नहीं है बेस वेरिएंट के साथ क्योंकि उसकी प्राइस अच्छे खासा होते। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको दूर से समझ में नहीं आएगा सॉफ्टेस्ट मटेरियल जैसा ही लुक आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ना ड्यूल टोन कलर आ जाते हैं, बहुत ही प्रीमियम है, पावर विंडोज प्रॉपरली आ जाते हैं जो बहुत बढ़िया डील है क्योंकि बेस वेरिएंट के साथ जनरली कोई भी पावर विंडोज ज्यादातर गाड़ियां सामने की तरफ पीछे की तरफ हर एक जगह पे नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन क्रेटा के साथ सामने पीछे दोनों तरफ ही आपको पावर विंडोज मिलेगा। और यहाँ पे नोटिस करेंगे एक चीज मैंने बताया था ना, ओआरबीएम के साथ कॉस्ट कटिंग हुआ है बेस वेरिएंट के साथ। ओआरबीएम जो आने वाला है ये ओआरबीएम तो आपको बेसिकली बॉडी कलर आते हैं, बस यहाँ पे आपको इसको रेगुलेट करना होगा तो इस नॉब की मदद से ही करना पड़ेगा। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस वेरिएंट के साथ फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। स्पीकर की प्रोविजन छोड़ी जाती है और यहाँ पे देखेंगे तो बटन होल्डर भी आ जाते हैं, ट्विटर की प्रोविजन नहीं आता है क्योंकि वेरिएंट के साथ वो सारे चीजें मिसिंग मिलेगा। और इस वेरिएंट के साथ आपको जो चीज अच्छा लगेगा आप यहाँ पे देख लीजिए, ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट ऑफर किया जा रहा है, इंक्लाइन डिक्लाइन किया जा रहा है और वो सब कुछ आपको मैनुअली करना होता है। तो फिर इनके साथ आपको फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आते हैं और यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल भी मिसिंग है। यहाँ पे देखेंगे काफी सारे बटन है, बेसिकली इसकी कंट्रोल यूनिट है। मैं एक बार चाबी घुमा के ऑन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन चाबी मैंने आई थिंक दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको तीन बटन आते हैं, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करना होगा तो आपको फिजिकल की मदद से ही करना पड़ेगा क्योंकि लॉक एंड अनलॉक बटन आते हैं, बूट होल्ड की बटन आ रहे हैं। और गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आपको कुछ यहाँ पे की इंसर्ट करवा के ही करना पड़ेगा। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे ह्यूज भी है प्रीमियम भी है क्योंकि इसके अपर जो वेरियंट आते हैं वहाँ पे कंप्लीटली कनेक्टिंग आते हैं एमआईडी एंड इंफोटेनमेंट। इसके अंदर आपको प्रोविजन तो दिया जा रहा है बट इसके अंदर आपको कोई भी इंफोटेनमेंट कंपनी फिटेड नहीं आते, पूरा ही मिसिंग पैनल है। और यहाँ पे जो चीज और अच्छा लगेगा यहाँ पे एसी वेंट के साथ साथ डैशबोर्ड की जो फिट एंड फिनिशिंग है और इसके जो डिजाइन लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एसी वेंट्स बहुत ही अच्छा है, टॉप वेरिएंट जैसे ही मिलेगा। यहाँ पे ग्लॉस नहीं यहाँ पे मैट फिनिशिंग है, टॉप वेरिएंट के साथ यहाँ पे ग्लॉस वाला फिनिशिंग आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबॉक्स साइज भी डिसेंट एनफ है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफी सारा स्पेस और मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कॉपर कलर के एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरा कंटिन्यू हो रहा है यहाँ तक, ये टॉप वेरिएंट के साथ भी आपको स्टैंडर्ड मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैजर्ड की डेडिकेटेड बटन, सेंटर कंसोल के अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। क्या क्या चीज मिसिंग है सेंटर कंसोल के अंदर, क्लोज आइए यहाँ पे देख लीजिए। इसकी जो एसी की कंट्रोल यूनिट है पूरा ही मैनुअली करना होता है, कोई भी आपको ऑटोमेटिक नहीं आता है, लेकिन एसी वेंट्स प्रॉपरली आ जाते हैं कुछ आपको यहाँ पे प्लेस्ड है। पीछे की तरफ भी मैंने आपको एसी वेंट्स दिखाया था। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट का आउटलेट्स आते हैं, यूएसबी टाइप सी आ जाते हैं और यहाँ पे गियर स्टिक देखेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल गियर ऑप्शन। फिलहाल हमारे पास गाड़ी है पेट्रोल इंजन है, नॉन टर्बो है और ये जो इंजन आएगा ये जितना पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो बाहर जाकर बताऊंगा, लेकिन इसके साथ आपको डीजल इंजन बेस वेरियंट से ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, अगर आप डीजल में क्रेटा की बेस वेरियंट चूज करना चाहते हो तो भी आपको कंपनी यहाँ पे ऑप्शन छोड़ रहे। तो पे और कुछ दिखाने लायक है नहीं, बस और एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जो आर्मरेस्ट है ना ये आर्मरेस्ट नॉन स्लाइडेबल है, बेसिकली इसके नीचे स्पेस भी बहुत ही बढ़िया है। ऊपर की तरफ देखेंगे आईआरबी मैनुअली रेगुलेट करना होता है और स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट कैसे ऑफर किया जा रहा है, बेस वेरिएंट है लेकिन फिर भी आपको टेलीस्कोपिक दिया जा रहा है। भैया टेलीस्कोपिक भी है, टिल्ट भी है, रेक एंड रीच दोनों ही ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत ही लेंदी है, मतलब बहुत अच्छा खासा स्पेस के साथ गाड़ी आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की जो एडजस्टमेंट है मैं तो मतलब तारीफ करूंगा ह्यूंडई ब्रांड की। और गाड़ी के साथ इंजन मैंने बताया था ना, लेकिन उससे पहले इंजन मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो सामने की तरफ चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली बेस वेरिएंट के साथ आपको पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड आएगा, यहाँ पे बेस वेरिएंट के साथ आपको डीजल इंजन 1.5 लीटर ही आएगा, दोनों ही आपको 1.5 लीटर आएगा। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल के ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो बेस वेरिएंट के साथ आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, टर्बो पेट्रोल आपको वन एंड ओनली टॉप एंड वेरिएंट के साथ मिलेगा, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट पे आपको टर्बो पेट्रोल नहीं ऑफर किया जा रहा है। इंजन एक बार आप देख लीजिए, पहली बात तो आपको जैसे इसको ओपन करें भैया एक हाथ से ओपन करना बहुत ही दिक्कत वाली काम है। मैं तो यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा हेवी फील हो रहा है। भाई ह्यूंडई की गाड़ी है, गाड़ी अच्छा होता है और इसके साथ साथ लेट मतलब यहाँ पे जितना मटेरियल वगैरह भी यूज किया जाता है ना, मैं तो यहाँ पे तारीफ करूंगा भैया, बहुत ही ह्यूज मतलब एक हेवी फील हो रहा है मुझे। और यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको इंसुलेशन प्रॉपरली आ जाते हैं। इंजन देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे इसके अंदर जो फिट एंड फिनिशिंग है और जितने भी जगह यहाँ पे मैनेज की गई है ना, गाड़ी बहुत ही अच्छा बोल सकते हो। रेडिएटर आपको सामने यहाँ पे प्लेस्ड है लेकिन इंजन की जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है। सामने की तरफ ये गैप किस वजह से होता है पता है आपको, ये एक क्लेवर इंजीनियरिंग आप बोल सकते हो क्योंकि गाड़ी अगर बाई एनी चांस सामने से इंपैक्ट हो जाते
तो इंजन ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी मतलब फ्रंट पे ये जो डिजाइन लैंग्वेज है यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो रोक लेगा उसके फोर्स को, तो इंजन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा वहां तक। इस वजह से ज्यादातर जो कंपनी होते प्रीमियम जो ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं रेडिएटर से लेकर इंजन ब्लॉक तक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, बाय एनी चांस इंपैक्ट होता है तो यहां तक फोर्स खत्म हो जाए इंजन तक उतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो वीडियो में भी खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कोलकाता से वीडियो देख रहे हो या फिर आप वेस्ट बंगाल उड़ीसा झारखंड से भी वीडियो देख रहे हो यानी ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया से वीडियो देख रहे हो तो आप यहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसकी प्रॉपर एड्रेस गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।